जेवर वजीर सैद मुराद अली शाह चयो है सिंध में एम सिक्स मोटरवे मनसूबे में मुकामी मानन के रोजगार न मिलने जा खदशा है। उम्मीद है तो उन प्रोजेक्ट में मुकामी मानन के नौकरियों डनी वेंदी। सखर में एम सिक्स मोटरवे के इफ्तिताह तकरीब के खिताब कदे वे वजीर सैद मुराद अली शाह जो चवण हो तो समूरी सिंध में बदअमनी वो तासुर गलत है। रुगो पंजाब के दंग वट कुछ धाड़ेल मौजूद है। उन पंजा पुलिस ऑफिसर एहलकार के शहीद कदड़ धाड़ेल के जहन में पहुंचाया वो है। सिंध पुलिस वट अमन करण लाय फंड की का खोट ना है। मुराद अली शाह तो नवाज शरीफ रोड़ी पुलट की मुरम्मत कराई जो ऐलान किया हो। वजीर आजम शहबाज शरीफ के गुजारिश है तो रोड़ी पुल जो रहल मुरम्मती कम कराया वे। जब सिंध में एंटर होते हैं तो एनएचए के प्रोजेक्ट्स बहुत ही स्लो डाउन हो जाते हैं, कंप्लीट नहीं होते। इलेक्शंस तक ये उम्मीद करना कि कंप्लीट हो जाएगा रोड, ये तो हम नहीं हो जाए तो अल्लाह ताला मौलाना साहब हैं दुआ करते हुए करेंगे, लेकिन काम होता हुआ नजर आना चाहिए फुल फोर्स में। और आप, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे आपने उधर कहा था कि आप अचानक दौरा करते हैं, आप प्लीज अचानक दौरे करें और इस रोड की कंस्ट्रक्शन आप हमें एनएचए सबको अकाउंटेबल रखें कि ये रोड टाइमली कंप्लीट हो और लोगों को फायदा हो। और एक और चीज जो मैंने सखर में भी कही थी, इधर भी सेक्रेटरी साहब ने जिक्र किया कि 25,000 नौकरियां इस सड़क को बनने में क्रिएट होंगी। ये 25,000 नौकरियां हैदराबाद से लेके सखर के दरमियान जो लोग हैं उनको मिलनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि फिर कोई बात हो कि जी बाहर से लोग आ रहे हैं और वो नौकरियां कर रहे हैं। ये कंस्ट्रक्शन के जो आपकी डेवलपर है उसको सख्ती से हिदायत ये होनी चाहिए कि वो लोकल लोगों को जॉब्स दें, चाहे वो इंजीनियर्स हो, चाहे वो टेक्नीशियंस हो, चाहे वो लेबर के लोग हों, लोकल लोगों को उनको नौकरियां देनी चाहिए।